इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर खजाना का टैक्स अहदाफ बढ़ाने का ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने IMF की कड़ी शरायत तस्लीम करने की वजह बता दी। मुल्क के डिफॉल्ट हो जाने के इल्जाम को भी मुस्तरद करते हुए कहा तरक्की की जानिब गामजन है। किसान दोस्त बजट लाने के जो लॉन्ग टर्म फायदे होंगे इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क जो है वो खुर्दनी तेल में खुद कफील होगा। हम उस तरफ गामजन हुए हैं। ये 23 करोड़ आवाम का मुल्क, 23 करोड़ गयूर आवाम का मुल्क, लेकिन एक मजबूत मुल्क, एक ताकतवर मुल्क, एक न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क इंशाअल्लाह ताला कहीं अब डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा है, अब तरक्की की तरफ जाएगा। नून लीगी वजीर गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद करना भी ना भूले। कहा जब हुकूमत संभाली तो पता चला साबिक वजीर आजम 120 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे थे। हमने मुश्किल फैसले करके मुल्क की मफाद को तरजीह दी। आए थे तो एक पेट्रोल और डीजल के ऊपर सब्सिडी थी। इस वक्त हुकूमत इस किस्म का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब आए थे तो 9 महीने में 14 अरब डॉलर का हो गया था और मेरे ख्याल से 17 अरब डॉलर का होगा। हमको 10.5 बिलियन के मिले थे, 10.3 बिलियन डॉलर के। इसलिए जो IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था उसको स्टार्ट करना ज़रूरी था हमारे मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। एक ऐसी आज़ादी हो सकती है कि जिसके अंदर आप 20-20 हज़ार अरब रुपया 3 साल या 4 साल में कर्ज चढ़ाएं, जो कि इमरान खान साहब ने चढ़ाया, और फिर आप आज़ादी की बात करते हैं, फिर खुद मुख्तारी की बात करते हैं। 80% कर्ज जो 71 साल में चढ़ाया गया वो आप 4.25 साल में चढ़ाते हैं, तो फिर आप खुद मुख्तारी की तरफ नहीं जा रहे, फिर तो आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आवाम को नए दुख और मुश्किलात देने के लिए इक्तदार में आने वाली सरकार छोटे दुकानदारों के लिए भी अजाब बन गई। मिफ्ता इस्माइल ने छोटी दुकानों से भी फिक्स टैक्स लेने की ठान ली। यही नहीं, वजीर खजाना ने प्रॉपर्टी डीलर्स और कार डीलर्स को भी टैक्स नेट में शामिल कर लिया। जो हमने टैक्स लगाए वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए, कंसम्पशन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जो गरीब लोगों के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनली पड़ता है। हमने पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाएं और उससे हम ज़्यादा पैसे लेंगे ताकि हमको दुनिया भर में जाके अपनी झोली ना फैलानी पड़े। पाकिस्तान में 90 लाख रिटेल की दुकानें हैं, रिटेल होलसेल की दुकानें हैं। हम सोचते हैं कि इसमें से 30-35 लाख दुकानों को या कम अज़ कम 25 लाख दुकानों को हम नेट में लेकर आएंगे। हम नई स्कीम कही है जिसके तहत उनका इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों को फिक्स कर दिया है उनके बिजली के बिल से। 3,000 से लेकर छोटी दुकान और 10,000 से बड़ी दुकान माना हम इनसे फिक्स टैक्स लेंगे। वजीर खजाना अपने खिताब में एक और दावा भी कर गए। कहा नए टैक्सेस से महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान का रेवेन्यू मजीद बढ़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।